प्रिंटर से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके व्यापम में विगत वर्षों से प्रश्न पूछा गया है। तो हम 10 वर्षों का प्रश्न पत्र देख रहे हैं जो आपके प्रिंटर से एग्जाम में पूछा गया है। चाहे आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, हॉस्टल वार्डन में आपको 50 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही लेबर इंस्पेक्टर में 20 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी को बेनिफिट यह है कि अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेबर इंस्पेक्टर का, कंप्यूटर का तो प्रश्न पूछा ही जाना है, ठीक है। पार्ट वन वीडियो में लेकर आया था जिसमें आप सभी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ये आपका पार्ट टू वीडियो है। अगर इस वीडियो में अच्छा खासा कमेंट वगैरह लाइक वगैरह आ जाता है तो पार्ट थ्री वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैं आप सभी को क्वेश्चन कराने वाला हूँ सभी व्यापम और पीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 में पूछा गया था, ठीक है। जो अभी पटवारी हुआ था 2022 में, उसमें एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये आप सी हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके। चलिए, तो डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है, डॉक्यूमेंट कौन सा है हार्ड कॉपी? जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ सभी व्यापम में पूछा गया है ना, 2021, 2022, 2019 सभी व्यापम और पीएससी में पूछा गया है। तो डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी कहा जाता है, प्रिंटर द्वारा पेपर में छपा हुआ, ठीक है, प्रिंटर द्वारा पेपर में छपा हुआ। चलिए, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर आपका दो प्रकार के होता है। कौन कौन सा प्रिंटर होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जितने भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, टेस्ट के रूप में। अगर जो लोग हॉस्टल वाले की तैयारी करें तो बहुत ही बेहतर क्लास है, ठीक है। उसमें 50 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है। लेबर इंस्पेक्टर के जो 34 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है जिसमें कंप्यूटर का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। डेली तैयारी कीजिएगा, यह आपका पार्ट टू वीडियो है, ठीक है। अगर पार्ट टू वीडियो में अच्छा खासा कमेंट वगैरह लाइक वगैरह आ जाता है तो पार्ट थ्री वीडियो लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। और एक बार आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए, इंक को इंकलेस प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। तो इंकलेस प्रिंटर, इंकलेस का मतलब होता है थर्मल प्रिंटर। तो आपके आंसर सी हो जाएगा। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? ये सभी जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ सभी व्यापम और पीएससी में पूछा गया है। मैं फिर से कहूँगा, अगर जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएँ, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं कराने वाला हूँ आपको व्यापम और पीएससी से पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, आंसर डी, ठीक है। चलिए, एक लेजर प्रिंटर क्या होता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एक लेजर प्रिंटर होता क्या है ना, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट लेता है, या फिर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है, या फिर डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी प्रिंट आउट देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। कौन कौन सा हो जाएगा फिर से? 1, 3 और 4, क्योंकि जो एक लेजर प्रिंटर होता है ना आपका, वह अच्छी गुणवत्ता वाली होता है, डॉट मैट्रिक तुलना में ज़्यादा खर्चीला होता है, और डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तुलना में अच्छी प्रिंटर और प्रिंट आउट देता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा वाला आंसर ले रहा है। पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा लिया हुआ है। तो ये भी व्यापम में पूछा गया है। जितने भी सभी में लेकर आया हूँ सभी व्यापम पीएससी वाला है, ठीक है। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हॉस्टल वाडा में अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं आज कंप्यूटर का, जिसमें प्रिंटर से पूछा गया है। और सॉफ्टवेयर की क्लास, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्लास कल मैं आपको कराया हूँ, वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरा PDF के तौर पर क्लास कराया जा रहा है जिसमें आपको सेंड किया जाता है। साथ ही वहाँ पर आपको कुछ वैकेंसी से संबंधित जानकारी दी जाती है और क्लास से संबंधित, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर किसका एक प्रकार का है? तो लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइएगा।
शाही जेंट प्रिंटर या बेंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये भी आपको व्यापम में पूछा गया है। तो देखिए, शाही जो जेंट प्रिंटर होता है आपका लाइन प्रिंटर, ठीक है, कौन सा प्रिंटर, लाइन प्रिंटर में इसको प्रिंट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े लेजर प्रिंटर की प्रति मिनट गति कितनी होती है, जो बड़े लेजर होता है ना आपका, वो आपका कितनी होती है, ये भी आपको व्यापम में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दीजिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। नो कमेंट कीजिएगा, सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, मैं ब्लॉक कर दूंगा फिर। बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति होता है आपका 200 पेजेस, कितना होता है 200 पेजेस, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है, तो सभी को छोड़कर पूछा गया बाकी इनपुट डिवाइस कौन सा है पूछा गया है, ठीक है, कौन सा है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट वाला डिवाइस मैं क्लास करा चुका हूँ, ठीक है, पार्ट वन में इनपुट और आउटपुट पार्ट वन में करा दिया हूँ, यह भी चल रहा है पार्ट टू वीडियो, ठीक है। सॉफ्टवेयर की क्लास भी इसमें हो चुकी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से पूछे जाने वाले प्रश्न भी पार्ट वन वीडियो में करा दिया हूँ, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है एक बार फिर से बताइएगा, दोहराइएगा। कीबोर्ड क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, क्या है एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, इनपुट, ठीक है। माउस क्या है, एक आउटपुट है। जॉयस्टिक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यहाँ पर फिर से कमेंट ना करें ना, मैं ब्लॉक कर दूंगा, बार बार कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या रोहित। देखिए जो इनपुट डिवाइस है आपका कौन सा है, प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीजी व्यापम में भी पूछा गया, लेजर प्रिंटर से संबंधित जो एक लेजर प्रिंटर होता है पेज प्रिंटर से संबंधित होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो लेजर प्रिंटर आपका पेज प्रिंटर से संबंधित है। ये आपका लेबर इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया है, जो हम देख रहे हैं लेबर इंस्पेक्टर के जो 34 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है, ठीक है, 18 जून को जिसका एग्ज़ाम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जा रही है। ये लेबर इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया था ना, 2018 में लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसी में, और पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2022 में, उसी का पूरा मिक्सिंग क्लास लेकर आया हूँ, सभी वही है जो रिपीट होता है बार बार, इसीलिए कह रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप रिवाइज करके जाइएगा, है ना, क्या पता एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, है ना, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और पहली बार आए हैं या पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो आपका लेजर पेजर होता है एक पेज प्रिंटर से संबंधित होता है, हमेशा याद रखना, जो लेजर प्रिंटर है पेज प्रिंटर से संबंधित है, ठीक है। देखिए दो दो बार आया है, एक बार 18 में पूछा गया था लेबर इंस्पेक्टर का, उसी प्रकार आपका PDO 2015 में पूछा गया है। और देखिए ये बार बार आता है, इसमें गलत ले लिया है उत्तर, ठीक है, इसको हम बता रहे हैं आपको। इंकजेट में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है, तो इंकजेट में मूल रंगों की जो कार्टिजों की संख्या होती है 4 होती है, ना कि 3 होता है, ठीक है। मूल प्रिंटों के कार्टिजों की संख्या 4 होता है, ये भी लेबर इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया था। गोल्ड वॉल्फ प्रिंटर, देखिए ये भी 2018 में पूछा गया था लेबर इंस्पेक्टर में, फिर से कह रहा हूँ, इसीलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। गोल्फ वॉल प्रिंटर एक डेजी व्हील प्रिंटर होता है, कौन सा होता है, डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए ये भी व्यापम 2018 में पूछा गया था। अब देखिए कि ये आपका कौन सा स्कैनर एक प्रकार का नहीं है, तो डेजी व्हील प्रिंटर एक स्कैनर का प्रकार नहीं है, क्योंकि देखिए सीट फेड, ये जो सीट फेड है आपका, ठीक है, और हेल्ड हेल्ड है और फ्लैट टेब है, हेड हेल्ड ये आपका स्कैनर है, ये भी व्यापम 2018 में पूछा गया था। निम्न से कौन सा एक पेज प्रिंटर है, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये भी व्यापम में पूछा गया है। जो पेज प्रिंटर बात कर रहा हूँ ना, वो लेजर प्रिंटर है, जो लेजर प्रिंटर है क्या होता है, पेज प्रिंटर होता है, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ सभी व्यापम और PSC में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से व्यापम 2014 में पूछा है। तो निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्लास में कल से ला दूंगा, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्लास आपको पार्ट 3 वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो पार्ट 3 वीडियो अगर लाना चाहो ना
मैं ला लूँगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो में आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा आता है, पार्ट थ्री वीडियो को लेकर आऊँगा, पूरा कंप्लीट कंप्यूटर की क्लास कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं फिर से कहूँगा, पार्ट वन वीडियो से लेकर पार्ट टेन वीडियो तक क्लास में अटेंड करने वाला हूँ, जिसमें पार्ट वन वीडियो हो चुका है, पार्ट टू वीडियो चल रहा है, ठीक है। पार्ट थ्री वीडियो में आप देखिए, इसमें जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की क्लास हो चुकी है। आज हमारा प्रिंटर से संबंधित है, जो मैं कल क्लासेस में बोला था कि प्रिंटर से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो मैं आज लेकर आया हूँ, उसी प्रकार ये आपका रहेगा कंप्यूटर के उपयोग वगैरह मल्टी वगैरह से, और जो इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से रहने वाला है, उसी प्रकार डेली क्लास कराया जाएगा दोपहर 3 बजे, याद रखना दोपहर 3 बजे, जबकि छत्तीसगढ़ और सामान्य ज्ञान की क्लास आपका रात 7:30 से 9:30 के बीच में रहता है, ठीक है। मैं बार बार वही कहूँगा, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन, पीएससी एग्जाम, व्यापम है ना, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में, उसकी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करोगे, ताकि अधिक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँच सके और इसका लाभ ले सके, ठीक है। समय बता दें हूँ, रात 7:30 से 9:30 के बीच में, और कंप्यूटर की जो क्लास होती है आपका 3 बजे होता है, ठीक है। 3 बजे आपका कंप्यूटर की क्लास लगती है। सुबह 9 बजे गणित की क्लास कल से प्रारंभ की जा रही है। अगर आप लोग गणित की क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा। तो मैं इसका क्या ही बताया था, मैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये सभी क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, जल्दी से बताइएगा, ये भी व्यापम 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ सभी व्यापम में पूछा गया है। क्या पूछा गया, सभी व्यापम में पूछा गया है, चाहे 2014 में पूछे, चाहे 2016 में पूछे, चाहे 2022 में पूछे, चाहे 2021 में पूछे, सभी का मैं रिवाइज क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे एग्जाम में पूछता है बार बार जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ तैयारी कर लो। अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो सिलेक्शन होने का चांस बन जाता है, ठीक है। क्या लिए आंसर हम, प्लाटर, जो कि क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, माउस और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नहीं है पूछा गया, प्लाटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनपुट और आउटपुट से 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछता है। कितने नंबर, 2 से 3 नंबर इनपुट और आउटपुट से पूछता है, जबकि प्रिंटर की क्लास चल रही है जिसमें आपका 3 से 4 नंबर प्रश्न पूछता है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो भी क्लास लेकर आता हूँ, इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आता हूँ, जो जो पूछता है वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो अगर आप लोग पार्ट थ्री वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमको पार्ट थ्री वीडियो चाहिए करके आ जाएगा। देखिए ये भी आपको व्यापम 14 में पूछा है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है पूछा है, तो ये सभी क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है सभी, ठीक है। क्या है ये सब, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें क्या पूछा गया, इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर नहीं है पूछा गया ना, सब भी व्यापम 14, 16 सभी में पूछा गया है। ये देखो पटवारी 2016 में हुआ था, वो भी पूछा गया है। पटवारी 2022 में भी हुआ था ना, कब कब हुआ था, 16 में हुआ था, कब कब हुआ था, 16 में हुआ था। उसके बाद 2022 में हुआ है पटवारी का, 19 में शायद भी हुआ था, 19 में भी हुआ था, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं व्यापम की, सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए, निम्न में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है, तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से, तो चलिए चेक करते हैं। स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर, जबकि स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, जहाँ कभी भी स्कैनर देखो इनपुट डिवाइस है ना। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन कौन सा, चलिए मैं आपको टिक लगा देता हूँ, फिर आप लोग फटाक से चुन लेना, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या हुआ, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी या आंसर डी, फटाक से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा आप सभी लोग, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक समूह है, दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऊर्जा खत्म हो जाता है, 3-3 क्लास लेना पड़ता है मुझे, ठीक है।
हाँ छत्तीसगढ़ की क्लास शाम 7:30 से 9:30। अभी छत्तीसगढ़ नहीं चल रहा है ना, सिर्फ इंडियन चल रहा है। भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 7:30 को लगा था। ठीक है, आज बाल मनोविज्ञान से प्रश्न रहेगा शाम को। बाल मनोविज्ञान से ना, बाल मनोविज्ञान से रहने वाला है, जो हर्षल वार्डन में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। श्रम विभाग की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, श्रम विभाग का यानी कि लेबर इंस्पेक्टर, जिसमें 15 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों क्लास आज शाम 7:30 बजे होगी। ठीक है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं जुड़े रहिएगा। नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है ना, उसी को नोटिफिकेशन मिलने वाला है। हाँ, कौन कौन बताए इसका आंसर? बिल्कुल डी होगा। कैसे होगा तो देखिए, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस पूछा गया, तो प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर क्या है? स्कैनर, माउस और कीबोर्ड। स्कैनर, माउस और ये कीबोर्ड जो है ना, आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। कल क्लास में कराऊंगा अगर आप लोग चाहो तो। अगर आपको पार्ट 3 वीडियो चाहिए तो मैं आपको इनपुट और आउटपुट वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कितने नंबर का? 2 से 3 नंबर वहीं से पूछ देते हैं। और प्रिंटर में 3 से 4 नंबर, अभी मैं बताया आपको। चलिए इसका बताइए। देखिए, ये भी व्यापम के पटवारी 2016 में पूछा है। एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो कि प्रण प्रयास करता है और सही के कण कागज पर संचालित होते हैं और सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है, कौन सा आएगा? लेजर प्रिंटर है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ब्रिम प्रिंटर नहीं है ना, आंसर ए नहीं होगा। आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी होगा। ये बिल्कुल गलत है और ये आपका सही है। जो कि देखिए, कागज़ होता है जिसमें लेजर प्रिंटर से ना प्रिंटर को प्रकार का किरण का प्रयोग करता है। ठीक है, लेजर से ही बनता है। कैरेक्टर का प्रिंटर नहीं है, तो प्रिंटर कौन कौन सा नहीं है? बैंड प्रिंटर, ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका प्रिंटर नहीं है, जबकि गोल्फ बॉल प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, ये भी आपको 2016 में पूछा गया है। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट का डिवाइस साझा किसका आम बात है? ये भी देखिए 16 में पूछा है। तो कीबोर्ड तो नहीं है, स्कैनर भी नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं है, तो ब्रिंडे है। तो क्या आएगा? पूछा क्या गया है इसमें? आम संस्थान। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कैरेक्टर प्रिंटर जो एक समय में एक करेंट प्रिंट करता है, उसे बैंड प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड प्रिंटर। मतलब कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में ना, एक समय में क्या करता है? एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। क्या करता है? प्रिंट करता है, प्रिंटर। ठीक है, एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, आपका बैंड प्रिंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंड प्रिंटर। और आप सबको कमेंट करके बताइएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, इंकजेट में प्रिंटर में क्या होता है? 2015 में पूछा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट मुद्रित करने का उपयोग है रिबन। क्या करते हैं? रिबन से प्रयोग करते हैं। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है ना आपका, जो मुद्रित करते हैं, उसको किससे करते हैं? रिबन से। ठीक है, रबड़। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता, वो आपका आ जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। वी लेबर इंस्पेक्टर 2015 में पूछा गया है। देखिए, बार बार एग्जाम में पूछ रहा है लेबर इंस्पेक्टर का, इसीलिए कह रहा हूँ 20 नंबर के प्रश्न कंप्यूटर का पूछा जा रहा है। इसमें 34 पद है ना लेबर इंस्पेक्टर में। हॉस्टल वार्डन में आपको 500 से अधिक पद वैकेंसी देखने को मिलेगा। जो अभी 500 निकला था वो आपका विलंबित कर दिया गया है, जिसमें आपको ये पोस्ट बढ़कर आने वाली है। ठीक है, जो हॉस्टल वार्डन का पोस्ट है आपका, बढ़कर आने वाली, कम से कम अगर 700+ आने वाली है, 700+। तैयारी करने स्टार्ट कीजिएगा अभी, ले डेली क्लास करते रहिएगा हमारे चैनल पर। बिल्कुल कराया जा रहा, फ्री क्लास, फ्री क्लास करा रहे, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। यूट्यूब पर बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जा रही है। ठीक है, 15 में पूछा गया है। देखिए, अमीन पटवारी भी पूछा है, 2 बार पूछा है, 15 में और 16 में, लेबर इंस्पेक्टर और अमीन पटवारी में, है ना? चलिए देखिए, ये भी आपका लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया है। चलिए देखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। ऐसा प्रिंटर जिसमें 12 अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। मैं बार बार कह रहा हूँ,
तैयारी करना ही है, सिलेक्शन लेना है, तो अभी से क्या करोगे? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई। मैं बार बार नहीं करूँगा, क्योंकि जो सब्सक्राइब किए रहेंगे उसी को नोटिफिकेशन मिलेगा, मतलब उसी को मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो भेजने वाला हूँ, अपलोड करूँगा तो उसी को बस ही वीडियो दिखने वाला है, ठीक है? हाँ जी सर, थैंक यू, वेरी गुड। देखिए लाइक करना ज़रूरी है ना वीडियो को, क्या है हम इतने मेहनत से आपको क्लास करा रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम वीडियो को एक से दो बार ज़रूर देखो, वीडियो को डाउनलोड कर लो और बार बार कम से कम एक से दो बार इसको याद कर लो, जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। जितने भी मैं टॉपिक लेकर आता हूँ सभी व्यापम और पीएससी में विगत वर्ष पूछे जा रहे हैं, और बार बार कहूँगा कि वीडियो को एक से दो बार ज़रूर देखिएगा, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, है ना, एक बार में वीडियो को पूरा देख लो, एक बार में वीडियो को क्या करोगे, पूरा देख लो, ठीक है? पूरा कंप्लीट कर लो एक बार में, दूसरा बार में आप रिवाइज करके चलना, क्या करोगे, रिवाइज करके चलना दूसरा बार में, एक बार पहले वीडियो को देख लेना, दूसरा बार में फिर रिवाइज करना, तीसरा बार आंख बंद करके सीधा टिक लगाते चलना, ये होगा इसका, ये होगा, ये होगा, ऐसा करके, ठीक है? क्या कारण है अपने समझ में आया? ये जो मेरा वीडियो अभी चल रहा है, जो प्रिंटर की क्लास, ठीक है, किससे क्लास चल रही है, प्रिंटर की क्लास जो चल रही ना, उसमें आप वीडियो को अगर एक बार में देख लेते हो तो याद नहीं होता, दोबारा देखो याद होगा, तीसरा बार में आँख बंद करके सीधा टेस्ट लगाते चलो, इसका आंसर ए है तो इसका आंसर बी है, याद हो जाएगा, और यहीं से फिर आपका प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ कंटिन्यू कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा। चलिए ये भी आपको 16 पूछा गया है, इनमें से कौन से प्रिंटर ग्राफिक प्रिंटर नहीं है, तो ये आपका डेजी व्हील प्रिंटर है। कितना क्वेश्चन कर लिए अभी फिलहाल? 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन अभी बाकी है। देखिए हॉस्टल वाला ने आपका कंप्यूटर का 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, कितना 50, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। कितना नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कंप्यूटर में आपका? हॉस्टल वाला ने 50 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका OMR सीट चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है? चलिए फटाफट करते हैं फिर, चलिए बताइए, कमेंट कीजिएगा। पटवारी 2016 पूछा है, वह प्रिंटर जिसमें करेक्ट छाप या अक्षरी किसी मैकेनिकल इंपैक्ट के बिना बनते हैं उसे नॉन इंपैक्टेड प्रिंटर कहते हैं, ठीक है? सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जाती है तो किसके द्वारा बनी चाहिए? प्लॉटर के द्वारा। अभी व्यापम 2016 पूछा है, देखिए मैं सभी को बार बार कह रहा हूँ, सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर कॉमर्स रिसोर्स होता है आपका प्रिंटर में, ये भी LBD कलर के 2017 में पूछा गया है। प्रिंटर की गति की गणना है तो किसकी का उपयोग की जाती है? PPM, मैं बार बार बोल रहा हूँ PPM, प्रिंटर हमेशा PPM, तो PPM का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए, कमेंट कीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, PPM का फुल फॉर्म क्या होता है। पर क्या होता है PPM का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच। उसी प्रकार इसका क्या होता है, DPI का डॉट पर इंच होता है ना, क्या होता है B का BMP, और इसका क्या होगा, B का DPI क्या होगा, DPI का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, PPM का क्या होगा, DPI का डॉट पर इंच, CPM का क्या होगा, सभी कमेंट करके बात से बताइए, कमेंट बॉक्स में, सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है, तो थर्मल प्रिंट बैड है, सीजी व्यापम में पूछा गया है 14 में। उसके बाद एक हार्ड कॉपी बनाता है, हार्ड कॉपी किस में बनाता है, लाइन प्रिंटर डॉट सभी में बनाता है, 2015 में पूछा है। उसके बाद सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इंफॉर्मेशन कॉपी क्या कहलाती है, हार्ड वाला कहती है, क्या है, हार्ड। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी प्रिंटिंग डिवाइस हो सकती है जिसके सिवा क्या होता है, प्रिंटर, 2015 में पूछा है। कई बार मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बार बोल बोल के मैं थक गया कि सभी क्वेश्चन में ले रहा हूँ 15 से 10 साल का विगत वर्षों क्वेश्चन पेपर, वहीं से प्रश्न पूछता है आपके व्यापम PSC में उठा उठा कर बार बार, मैं इसीलिए कह रहा हूँ तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे बहुत सारे लिंक दिया गया है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, जो भी है सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं हम। लैपटॉप कंप्यूटर में बताया, प्रिंटर, ठीक।
ड्राइंग ग्राफ प्रिंट करने के लिए कौन सा सीडी का कैड, कैड मतलब डिजिटल प्लॉटर का उपयोग करते हैं। व्यापम डिस्क में पूछा गया है मैकेनिकल दबाव के बनता नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, आपको फिर 2018 में पूछा है। किस प्रिंटिंग टेक्निक अक्षर मिटर उपयोग करता है, सॉलिड फ्रंट, क्या है सॉलिड फ्रंट व्यापम 2018। उसी प्रकार उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम और ग्राफिक्स प्रिंट है तो कौन सा उपयोग कीजिए, ये जो गुणवत्ता बोलते हैं ना कैड का मतलब कैड सिस्टम CAD, ठीक है क्या आएगा CAD, एक मिनट ना, CAD, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा देखिए एक बार, क्या बोला गया है कि उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग प्रिंट के लिए हेतु है, तो ये आपका प्लाटर आएगा। जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है, मान लीजिएगा दो प्रिंटर है, ठीक है, एक प्रिंटर ये हो गया और एक प्रिंटर ये हो गया, जब दो प्रिंटर को आपस में मिलाया जाता है जिससे कि दोनों टीम एक ही तरह का कार्य करता है, दोनों जो टीम है पहला टीम और दूसरा टीम दोनों एक ही तरह का कार्य करता है, तो उसको प्रिंटिंग पुलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं प्रिंटिंग या प्रिंटर पुलिंग कहते हैं, ठीक है याद रखना है इसको। किस प्रकार का प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करता है, तो ये आपका लेजर प्रिंटर होगा, लेसर प्रिंटर, क्या होगा लेसर प्रिंटर, ठीक है। 18 पूछा गया है, लेजर प्रिंटर प्रोसेस किसके स्टेज बाद होती है, फ्यूजिंग के बाद, ठीक। निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्क टॉप पब्लिशिंग हेतु लाया जाता है, लेजर प्रिंटर है, 2018 NRI में पूछा है। सभी तो है क्वेश्चन जो आपके पापा में पूछा है, ऐसा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है उपरोक्त सभी, डेजी बिल, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्या है, ये भी आपका 2017 में पूछा गया है। एक हार्ड कॉपी किस पर बनाई जाती है, लाइन में, ड्रैन में, ट्रैप में, सब में बनाया जाता है, ये भी 2017 में पूछा गया है। वही कह रहा हूँ बार बार एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए बार बार तैयारी करो, एक से दो बार वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, या एक बार में समझ नहीं आता वीडियो को दोबारा देख लीजिए ना भाई, इससे आपका पूरा क्या प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ये भी 2017 में पूछा गया है, फ्लेक्स आएगा इसका आंसर। किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप में कुंजी पटल विपरीत होता है, ये आपका प्रिंटर, ये भी 2017 में पूछा है, हैं। उसके बाद है निम्न कौन सा है जो आप दोनों को मुद्रण करने के लिए करता है, डायलेक्सर, यह भी 2017 में पूछा गया है। मतलब पूरा का पूरा जो भी लाया हूँ सभी व्यापम में 2016 में कभी पूछा है, तो कभी 17 में, तो कभी 22 में, तो कभी 19 में, है नहीं। तो देखिए कौन सा प्रिंटर समझता है डेस्क टॉप प्रिंटिंग इस्तेमाल में होता है, ये भी आपका 17 में, तो डायरेक्ट लेसर प्रिंटर है ना, क्या होगा लेसर प्रिंटर। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो ये थर्मल प्रिंटर, क्योंकि लाइन प्रिंटर, डायरेक्ट प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, क्या है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये भी 2017 में पूछा गया है कि प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है किससे, डॉट पर इंच से, किसे डॉट, ठीक है ना, एक मिनट, ये देखो डॉट पर इंच। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी डेसिमल, बाई डेसिमल, सीक्वेंशियल, रैंडम, तो इसका आंसर ए होगा। ए ठीक है, तो टोटल हमने कंप्यूटर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, तो टोटल हम कंप्यूटर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन किए हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और क्या करोगे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइएगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि कंप्यूटर की क्लास हॉस्टल वार्डन में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर